बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आ रहा भाई। कौन है भाई? कौन है यार? हवा की तरह आया था, हवा की तरह चला गया। जी फरमाइए, किससे मिलना है? कौन है आप भाई? अंदर कैसे घुसे हो? अजीब बात कर रहे हो, मेरा घर है, मुझसे पूछ रहे हो अंदर कैसे घुसा हूं? अरे क्या हो गया आपको? मैं इस घर का चौकीदार हूँ, क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुक जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी मुझसे कुछ कहा? जी एक मिनट यहाँ आइएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है। आप माकूल आदमी लग रहे हैं, आप जरा फैसला कराते। सीन कुछ यूं है कि एक आदमी घर के बाहर से घंटी बजाता है, दूसरा आदमी अंदर से आके दरवाजा खोलता है। तो आपको बताना ये है कि घर किसका हुआ? जो अंदर से आ रहा है उसका घर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा 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 अच्छा, तुम दोनों को मैंने पहचान लिया बाप बेटे को। तुम लोग इसे पहले ही मेरी नौकरी गई है बकरीद की। अरे नहीं भाई, मैं तो इसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शेरी शेरोजुद्दीन। देखा, शेरोजुद्दीन बिल्कुल नया नाम है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। नहीं, मैं तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ? बहुत सिंपल है, तुमने नौकरी बदली थी, घर थोड़ी बदला था। हम कॉलोनी गए, तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहे, तुम निकले, हमने तुम्हारा पीछा किया बस में बैठकर। 3 दिन तुम्हारी रेकी की, 14 दिन तुमसे पहले घर के अंदर, कैसा? अच्छा ये बताओ अब करना क्या है? ये हुई ना बात, अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। ये शख्स हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हम घर ढूंढ रहे और ये शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया। कौन सा शख्स भैया? अरे यार मैं हशमत की बात कर रहा हूँ, और किसकी? तुबा, आपने अब्बू का नाम लिया तभी अब नाम मुरादो। अच्छा तो मतलब मैं नाम मुरादू? अरे अब तक मैं ही तो तुम लोगों को पालता आया हूँ, मेरी वजह से तो ये घर चल रहा था, और तुम और ये घर, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इस घर के चले जाने के बाद किरण कितनी परेशान है? भाई के तो बिल्कुल ठीक रहे हैं आप, मेरी बिस्मा भी आजकल बहुत परेशान रहती है। हशमत की औलाद पर ये वक्त तो आना ही था, बड़े लोगों को डसा है ना उस बुड्ढे ने। देखिए मुजाहिद साहब, आप फिलहाल यहाँ से चले जाए, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, और आप तो वैसे भी पापा के हम प्याला और हम निवाला हैं। अरे भाई, निवाला भी अब्बू का, प्याला भी अब्बू का, ये बेचारा तो खुआमखा खुआर हो रहा है उनके चक्कर में। बस, हशमत जैसों को तो मुजाहिद अपनी जेब में रखता है, तुम जानते ही क्या हो कि मुजाहिद किस तोप का नाम है। अरे मुजाहिद साहब, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखिए मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई टेंशन में आप नहीं है, टेंशन में तो मेरी बिस्मा है, आप नहीं देख रहे दिन में दिन इसकी खूबसूरती कम होती जा रही है। वाह, पूरा खानदान रोड पे आ गया है, इसको बीवी की खूबसूरती की पड़ी है। अरे मुजाहिद भाई, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। रंग रंग से इसका रंग कैसा उड़ गया मोबाइल की बेल बजने पे। हेलो बेगम। जी, वो मैं बेगम आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हेलो काटती लाइन जन मुरीद। देखा भाई देखा, इसने भी आपको जन मुरीद कहा। आज तो मुझसे बड़े जन मुरीद, आज तो प्लीज चुप रहे। नहीं भाई, मैं जन मुरीद नहीं, मैं हुसन परस्त हूँ। हुसन परस्त नहीं, तुम दोनों बेगैरत हो। यार अम्मा मान तास सख वाले दा नौकरी मा तो तुमरे पर मुश्किलें मेला वशई दा आखिर तो जमान सख वाले। ठीक है, जो तुमने कहा वो मैं समझ गया, लेकिन अब उर्दू में बताओ मुख्तसरन चाहते क्या। अरे भाई जब समझ नहीं आ रहा था तो सुन क्यों रहे थे? वो इतना तेज तेज बोल रहा था, उसके रुकने का वेट कर रहे थे। बोलो भाई। अरे भाई ये नौकरी मुझे इतनी मुश्किल से मिली है, आखिर तुम लोग मुझसे चाह क्या रहे हो? भाई नौकरी तो तेरी जाएगी अगर हमने तेरी मालकन को बता दिया कि तू पहले से सजा याफ्ता है फ्रॉड के केस में। वो तो आपने फ्रॉड किया था, मैं तो इस पे राजी नहीं था। बेटा राजी तो तू अब भी नहीं है, वो तो हम तुमसे करवा रहे हैं। और ये जो बुड्ढा बैठा है ना, नाग है, नाग भी वो जो डसने के बाद नाचता है। बस बंद करो, कौन सा नाग नाचता है डसने के बाद? नाग है, तवाइफ है। अरे अब्बा हैबत फैला रहा था। अभी बैठ जाओ, हैबत फैला रहे थे। तुम बोलो क्या बात है? अगर ऊपर से मालकन आ गई तो? अरे नहीं आएगी वो मरी में डाक बंगले में बैठी हुई मौसम एंजॉय कर रही है। फरवरी का महीना है, वैलेंटाइन है, वो यहाँ आके क्या करेगी? ये वैलेंटाइन क्या है? अलग गोरी मारो मरा लैटिन को। अच्छा, हमारी बात सुनो, ना सिर्फ ये घर बल्कि तुम भी आज से हमारे मुलाजिम। क्या मैं भी आपका मुलाजिम? हाँ भाई, हम तुम्हें 3,000 रुपए देंगे एक्स्ट्रा, 100 रुपए रोज के हिसाब से। सोचो कितने ज्यादा पैसे होते, क्या क्या खरीद सकते हो। छोटी वाली कंघी ले सकते हो, टूथपेस्ट आ जाएगा। देगा हमारे को? बिल्कुल देगा। पक्का बात? मेरे ख्याल में अब हमें घर दिखाओ। चलो चलो, तुम्हारे को अपने घर दिखाते हैं। आ जाओ चलो। वे
वेलकम वेलकम वेलकम। वाह अब्बू वाह, इतना प्यारा, इतना बड़ा, इतना अच्छा घर कैसे खरीदा? अरे क्या खा खरीदा, सुबह तो पापा ने मुझसे 50 रुपए मांगे थे। तो फिर क्या लॉटरी निकल आई? साफ मिनरल वाटर, ये साफ लोटे का पानी है। साफ साफ लोटे का पानी क्या होता है? मतलब हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है तो साफ लोटे में पानी दे देते। हाँ खराब है भाई। क्या बोल रहे थे ये लोग? आपकी बेइज्जती कर रहे थे और क्या कर रहे थे? चुप हो जाओ जाहिल औरत, पता नहीं क्या जरूरत है। अरे भाई सबको छोड़े, ये बताए नौकर चाकर ये ठाट बाट आया कहाँ से? ये बताए किसको लूटा हशु? इतना प्यारा घर आया कहाँ से हशु? ये मुझे तुम हशु हशु मत बोला करो, लगता है कुत्ते को बुला रही हो। हशु हशु हशु, देर से समझे लेकिन समझ गए। hey! सुल्तान हद में रहे, समझ गया नहीं तो जान से मार दूंगा। उसकी बीवी हंस रही है, उसको मोहब्बत की वजह से कुछ नहीं बोल रहे, उसके शोर में क्रॉस फायर कर रहे हैं। हशमत अंकल, लिमिट इज लिमिट। चुप सब चुप, अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ओ बड़े मियां, ये तो बताओ आईजी साहब ने हमें क्यों निकाला? अब्बा ने एडवांस में जाली नोट दिए थे आईजी साहब को। पापा आपने आईजी साहब को भी जाली नोट दे दिए? वो मुझे सुल्तान ने दिए। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? मैंने आपको चेक दिया था। चेक दिया था, फिर हो सकता है किसी ने मिक्स कर। किसी ने क्यों मिक्स कर दिए होंगे? तुमने खुद किए होंगे यकीनन। अब ये बताओ कि इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया? ये अच्छा सवाल। मेरे एक मरहूम दोस्त की बेटी मरी में रहती है, उसको पता चला मेरे पास घर नहीं है तो उसने अपना घर और नौकर चाकर मेरे लिए वक्फ कर दिया। झूठ, काला झूठ। आप जलते तवे पर भी बैठकर बोलेंगे ना, तब भी हम में से कोई यकीन नहीं करेगा कि किसी ने आपको ये घर और ये नौकर दे दिया है। भाई मैं तो यकीन करूंगी, 100% हस्चू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हस्चू अब मुझे बता दो, इनको चूल्हे में डालो, मुझे बताओ मेरा कमरा कहाँ है। दोबारा मुझे हस्चू मत बोलना और खुद देख लो कमरा, तुम्हारे बाप के नौकर हैं। चलो फिरोज, अब क्या ऐसे भटकते रहोगे? चलो। अरे तुम क्या खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो, तुम भी चलो। मैं तो किसी के पीछे भी नहीं जा सकता। कुत्ते हो क्या जो गाड़ी के पीछे भागोगे? हमारा को भी पश्तो आता है भाई। अच्छा, हमें लगा तुम्हें जर्मनी आता। चलो जाओ चलो जाओ, दिमाग खराब कर रहे। अब्बा मैं हूँ। क्या कर रहे थे ये? मुर्गा चेक कर रहा था। दिमाग खराब है क्या? भाई मेरा मुकद्दर है क्योंकि वो मेरा बाप है, तन्हाई मेरी किस्मत क्योंकि वो नहीं चाहता मेरी शादी हो। दिल तो करता है काश कि तुम सचमुच होती। कोई फायदा नहीं, अगर ये सचमुच में होती भी ना तो तुमने अपना हुलिया देखा है जरा? क्या हो गया मेरे हुलिया को? ये टोपी पहनकर कम से कम मूंगफली वाले और ज्यादा से ज्यादा चौकीदार लगे। और ये जैकेट किसकी पहनी है? रोज की है। बताने की जरूरत नहीं है, पता चल रहा है मांग के पहनी। जिसके पास होती नहीं ना वो इसी तरह चलते। एक दूंगा थप्पड़ गांग के नीचे। और बताओ उस माँ को तस्वीर घूर घूर के देख रहे थे? दादा वो क्या मेरी माँ लगती है? तमीज दी है तुम्हें बात करने की? तमीज सिखाई आपने कभी? हमेशा मारदार तो सिखाई है और उसी वजह से मेरी उसमा से अभी तक शादी भी नहीं हुई। शेरी इंतहाई गिरे हुए इंसान हो तुम। ठीक है तुम उसे मोहब्बत करते थे लेकिन हर बार इस बात का जिक्र करना ठीक नहीं है। सुल्तान ये अपनी मोहब्बत की बातें कर। डर गई। थैंक यू अब्बा। थैंक यू। घटिया खानदान। हट गई इसकी भाई। अरे अब्बा ये मकान की मालका ने क्या? अरे अब्बा क्या होता है? सॉरी अब्बा सॉरी। बैठो। पता नहीं। हट जा यार बिठाए तू। चले। दुआ मेरी। दुआ मेरी नहीं। दुआ। अबे ओ मजनू क्या हो गया? वैलेंटाइन का चांद दिखाने के पागल होना शुरू हो जाते हो? कौन सा गेम खेल रहा है? दुआ सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अबे हाँ भाई दुआ तेरी है, तेरी है दुआ। बद्दुआ चाहिए तो मेरे से ले ले, कभी दुआ में आखिरत भी मांग लो। दुआ सिर्फ मेरी है और वो आएगी, दुआ जरूर आएगी। आएगी अगर किसी को साथ लाए तो भाई की भी सेटिंग करा देना। चल मजनू बता तेरी गमे दास्तान, मोहब्बत दास्तान क्या है? अजनबी दोस्त
ये सन 2005 अक्टूबर के महीने की एक गुलाबी शाम थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था, मुझे याद दिलाया। वो मधम मधम चलती हुई छपाक से मेरे सामने आई और मैं उसका दीवाना हो गया। छपाक दुआ। अरे ये तो बड़ी पोपट। कैरी ऑन कैरी ऑन। है अजनबी दोस्त, वो खफा है, मुझसे बहुत खफा है। इतनी खफा कि मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। हो। दो नंबर तो तुम्हारे बाप के वजूद में कूट कूट के भरी हुई है। ऐसे ही तो नहीं आ गया ये घर। तो क्या मसला है बेबी, इतना प्यारा घर आ गया। अब हम इस घर में सुकून से रहेंगे और अपने मोहब्बत की दास्तान लिखेंगे। मोहब्बत की दास्तान नहीं, रसवाई का अफसाना लिखा जाएगा यहाँ पर, समझे तुम? तुम लोग यहाँ सीढ़ियों पे क्यों बैठे हुए हो, डेट लगा रहे हो क्या? अरे इससे तो बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने। मैं बता रही हूँ इस जंगल की फौरन शादी करवा दो, वरना इसे ना जंगल वाले भी कबूल नहीं करेंगे। इन्हें छोड़ो ना। अच्छा ये बताओ, 14 फरवरी आ रहा है, इस बार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अबे तेरी बेगम मुझे जंगली बोली है और तुझे 14 की पड़ी है। ये बता 14 का होता क्या है? अरे भाई इस आशिक को अब इतना मारना जितनी पप्पा से बाद में मार खा सको। अरे छोड़ो उसे, तुम तो बिल्कुल सटिया गए हो। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? मुझे क्या होना है, उठो चलो यहाँ से। अरे अशु आप यहाँ बैठे हैं, सारे घर में मैंने आपको देख लिया। अशु विलंडे आने वाला है और आप मुझसे इतना उखड़े उखड़े रहने लगे। विलंडे ही आ रहा है, उस दिन तुम्हें असली का विलन बन के दिखाऊंगा। तो भैया मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा गुजारा साथ नहीं हो सकता। क्यों अशु, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने जो भी किया हो तुम मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुम्हें मना किया मुझे अशु मत बोलो। अच्छा अब नहीं बोलूंगी ना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक बात कि मेरी बात को समझो, लेकिन तुम्हारी समझ में कोई बात आती नहीं, यही वजह है। अशु आ रहा है। एक दफा तुमने मुझे और हाथ लगाया, खुदा की कसम यही चीज के फेंक दूंगा, बता रहा हूँ मैं। मजाक कर रहे हैं ना आप? जी नहीं बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। अरे अशु आप भी ना बहुत रोमांटिक है। एक बात बताओ तुम्हें रोमांटिक का मतलब पता है क्या होता है? हाँ फनी शोक चंचल। इस लिहाज से तुम्हें रोमांटिक चाहे वो इसके साथ गुजर। अशु बदल गए बड़े घर में आके। तुम अपने लिए ब्लैक शर्ट ले लेना, मैंने अपने लिए रेड ड्रेस ले लिया है और मुझे 14 फेब को कोई बेवकूफी नहीं चाहिए, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बेगम आप जैसा जीवन साथी हो और बेवकूफी नहीं, नहीं इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और प्लीज बेगम आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जब टेंशन लेती है ना तो आपके चेहरे का ग्लो कम हो जाता है और वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे फिरोज क्या हुआ? आप मुस्कुराए ना तो खुशी से मेरा सर चक। अरे आप हमारे वॉशरूम में क्या कर रहे थे? वो मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। और ये आपके हाथ में क्या क्या छुपा रहे दिखा मुझे। वो असल में ना मेरे वॉशरूम का एनर्जी सेवर खराब हो गया था तो मैंने यहाँ से निकाल लाए। दे दे इसको इधर दे दे। देख के गरम है गरम। मगर फिर भी पापा किसी के रूम में आने के कुछ मैनर्स होते, कुछ एटिकेट्स होते। बस करो मुझे सिखा रहे मैनर्स क्या होते। क्या चल रहा है? तुम्हारे बाप की ना शादी हो रही है, आके देख लो। लानत तुम्हारी। यार फिरोज मुझे ये बता ये 14 को क्या होता है? लो इसे भी बता दो। हाँ तो बेटा तुम्हारे काम का ना कुछ भी नहीं है, तुम उस दिन भी अपने बाप के साथ मिलके गुंडागर्दी करना। समझा ले मुझे बेटा बोल ले, मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैं बेटा हूँ क्या? बस 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 चली गई, वो चली गई, अब चला रहे खड़े यहाँ पर। अरे शरी आप ना हक बोल रहे भाई, आपका क्या लेना देना 14 से है? क्यों भाई मेरा लेना देना क्यों नहीं है? मुझे कोई भी नहीं बता रहा 14 को क्या होता है, बताओ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? अब मुझे बताओ नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगा। 14 को क्या होता है? मार दो मार दो। अरे क्या कर रहे हो, नहीं लड़ने दो लड़ने दो लड़ने दो, अभी लड़ झगड़ के फैसला खत्म करेंगे, नॉकआउट राउंड है, एक कोई एक मरेगा। दिमाग खराब हो गया आपका? मुझे बताओ 14 को क्या होता है, मुझे बताओ। बेटा आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है। तो मंगल है और मंगल वाले दिन गोश्त का नागा हो। क्या ही जंगली जानवर। वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, लगता नहीं है आपकी चॉइस है। हाँ सुल्तान पहना लो इसे फूल, इन्हीं फूलों की चादर ना तुम्हारी कब्र पे चढ़ाऊंगा जालिमो बेशर्मो। क्या हो गया भाई, मेरी बीवी है, मैं उसे फूल पहनाऊं या फूल दूं तुम्हें क्या? अबे तो कहीं और दूर, मेरी नजरों से दूर जाके कर लो ना, मेरी नजरों से दूर। क्या हो गया इस पागल को? इसे पता चल गया कि 14 को क्या होता, तभी दीवाना हुआ फिर रहा। भाई ये कहीं खुदकुशी ना कर ले भाई। ये वो नस्ल नहीं है जो खुदकुशी करेगा, रहने दे। अब नहीं सहा जा रहा, आ जाओ प्लीज।
आजो। इस 14 फरवरी को मैं मंगल नहीं बना सकता। आजो प्लीज, जंगल में मंगल कर दूंगा। प्लीज आजो, प्लीज। संकी भाई, क्या हुआ, वो आ गई? नहीं, तुम्हारे अबू का दिमाग शार्ट चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है। ब्रेकअप क्या होता है यार? तुम्हारे अम्मी को तुम्हारा अबू तलाक दे रहा है। चलो चलो चलो। देखा तुमने उस बुड्ढे को, कितनी हरी हरी सूझ रही है उसको। यहाँ पे एक नहीं मिल रही और वो वहां पे छोड़ने की बातें कर रहा है। कितना कैसा है वो मेरे पापा, हमें बताया जाए कि आखिर मम्मा ने ऐसा क्या कर दिया जो ब्रेकअप की नौबत आ गई। पहले मुझे ये बताया जाए कि जब ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है तो ये बाहर का आदमी आके यहाँ क्यों बैठा है? किसने बुलाया मुझे आपको? हशमत अंकल, ये मेरा आइडिया था। ऐसे फैसलों में अगर न्यूट्रल आदमी रहे ना सामने तो बेहतर रहता है। तुम्हारा इससे पहले ब्रेकअप हो चुका है? जी नहीं। नहीं तो फिर ये नया आइडिया हमारे सर पे क्यों थोप रहे हो? नहीं नहीं, मुझे आयद कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। माँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी माँ। पता नहीं ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे। जी 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 जी, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। क्यों बताते हुए शर्म आ रही है? ऐसा क्या कर दिया माँ ने, हमें भी बताएं। तो तुम्हारी माँ ने बाथरूम का नल का खुला छोड़ दिया, सारा पानी बह गया। बताओ ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जो इस बात में ब्रेकअप किया जाए? जब साबुन ना आगे खड़े हो और पानी ना आए तो तुम्हारे लिए मसला ही नहीं है। और तुम्हारे लिए क्या मसला होगा, तुम तो रोज शोहर को मारती हो अपने। अरे ये पापा, ये इस मामले में मुझे बीच में आप क्यों घसीट रहे हैं? जब जब औरत के मजालिम का जिक्र आएगा तुम्हारा जिक्र भी आए। अरे अब्बू, क्या आशिकों का महीना है, आपको अपना मसला हल करना है तो करें, वरना मेयर बिस्मा तो जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ यहाँ से। अरे हशमत अंकल, इतने अच्छे वैलेंटाइन के महीने में आप ब्रेकअप कर रहे, कुछ तो सोचे लोग क्या कहेंगे। ठीक उसी वक्त जब तमाम आशिकों का इश्क उरूज पे होगा ना, ये किस्सा खत्म हो जाएगा। ये फरसूदा जाहिलाना निजाम जो चल रहा है ना, ये जो वैलेंटाइन डे बना रहे, इसको ब्रेकअप डे बना दूंगा। लोग इसको हशमत डे के नाम से याद रखेंगे, यही मेरा एम है। तालियां। अरे किस बात की तालियां यार, असल मुद्दे पर आए। हशमत चाचा, सच बात बता रहा हूँ, तू कहीं ऐसी औरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी ऐसा पीस घर संभालने वाला। अरे पापा को पीस बोल रहे भाई। अब मेरा इस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम खुद निपटो। अरे पापा, एक गलती तो कोई भी माफ कर सकता है। नहीं नहीं, एक गलती की बात नहीं है, इस औरत की कई गलतियां हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी अम्मा ने, अब आप बता ही दे। इस औरत ने मेरा व्हाइट कुर्ता अपने लाल दुपट्टे के साथ धो दिया। बताओ, पूरा कुर्ता पिंक हो गया। अब वो पहन के बाहर गए तो लोग बोल रहे बेबी पिंक, बेबी पिंक। अबे अजमत भाई, खत्म करो यार, सुला सफाई करो, गले मिलो यार, छोड़ो पक पक को। अभी खत्म करते हैं, अभी खत्म करते हैं, यहीं बिठा के तुम्हें गाड़ देंगे, यहीं खत्म कर देंगे किस्सा। अरे बॉस मैंने किया क्या है? ट्रिमर लाओ, ट्रिमर लाओ, ट्रिमर लाओ भाई। बॉस मैंने किया क्या है? ट्रिमर लाओ, जल्दी ट्रिमर, जल्दी लाओ। बताया तो सही, मैंने किया क्या है? भाई बात सुनो, हमारा मालकिन आ गया, निकलो यहाँ से, शाबाश खत्म हो गया, निकलो यहाँ से जल्दी, फौरन निकलो यहाँ से। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अरे शेरी भाई, शेरी भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर कब्जा करने की? ऊपर से ये सारा का सारा जंजाल लेकर मेरे घर में घुसकर ही बैठ गए। प्लीज 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 प्लीज, मेरा तुम्हारे सिवा कौन है बेटा? कहाँ लेकर जाऊंगा इस जंजाल को, मैं अकेला ही पाल रहा हूँ इन सब। ये लालची लोग मेरा गोल्डन हैंडशेक तक खा गए, इनकी हरकतों की वजह से आज सड़क पर आ गया। अब से बच्ची। अच्छा बस बस, आप रोए मत प्लीज। ठीक है, नहीं रोते। बिस्मा क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता। अरे मत टोलो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अम्मा तुम चुप करो, किरण सुनो ना क्या कहना है। भैया हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि पुलिस आ जाए, वरना हमारा ये वैलेंटाइन भी जेल में सेलिब्रेट होगा। जान मैंने आपसे मना किया था कि वैलेंटाइन का नाम मत ले, देखिए पता करा। मैं आपको सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत देती हूँ, एक हफ्ते में आप अपना कहीं बंदोबस्त कर लें, वरना आप बस बस बस, एक हफ्ता तो बहुत है, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। बस बेटी एक छोटा सा काम। वो क्या? बाहर मेरी फैमिली टोल लेने के लिए खड़ी हुई, तुम बाहर चलकर ये ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ बस। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कभी ये बात ना कहता अगर कैंसर का लास्ट स्टेज ना होता। क्या आपको कैंसर है? हाँ बेटा, लेकिन मेरी फैमिली को मत बता। चलें ठीक है, मैं बाहर जाकर कह दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। आ जाए। हाँ चलें। आइए 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 आइए। क्या 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 जंगली बने हो रहे, सीधे खड़े हो सब लोग। बोलो बेटा बोलो, आप क्या बोल रहे थे? अंकल आप फिक्र नहीं करें, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, ये आपका ही घर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये जो लड़का है जिसके चेहरे पे इस वक्त मौत का सन्नाटा है, ये मेरा बेटा शेरी है। हेलो शेरी। चली गई वो, चली गई।
हाँ भाई हो गए ताजिए ठंडे, तुम लोग क्या समझ रहे थे मैं झूठा हूँ? समझना क्या है, आप बोलते हैं झूठ, हम यहाँ सिर्फ ये पता करने आए थे अंदर चल क्या रहा है, और हमें भी कोई शौक नहीं है बातें सुनने का। आशमा साहब मैंने इनको बहुत मना किया कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा टोन नहीं लो, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चल बुढ़िया झूठ बोल रही है, यहाँ खड़ी होकर बातें सुन रही है, मिस नहीं कहीं की। आप लोग अपने अपने रूम्स में जाकर बातें कर लेंगे, मुझे आराम करना है। क्यों नहीं बेटा क्यों नहीं, आप आराम करो। ओके ओके चलो भाई चलो निकलो, वो बेचारी इतनी दूर से आई है, थकी भी होगी, अभी आराम करोगे तुम लोग यहाँ पे जाहिल बना कर। चलो निकलो निकलो यहाँ से, ओए सुल्तान की बीवी तुम भी निकलो, चलो भाई चाचा तुम भी निकलो, चलो ए, ए, आराम से आराम से। अच्छा निकलो, तमीजी कर रहा है हमारे से। अब रो के क्यों अपनी सेहत गिरा रही हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था इस बुड्ढे के चक्कर में मत पड़ना, मगर इस बुड्ढे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी तुम, याद है ना मेरे रिक्शे में भाग कर निकाह किया था तुमने, या भूल गई? अच्छी तरह याद है। अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन, उसी दिन तो मैं अजमत के निकाह में आई थी। अरे मुजाहिद वो तेरा रक्षा कहाँ है बेटा? मत पूछो, उस रक्षे की भी तुम्हारी तरह ही दास्तान है, हड़प कर गया आसमत। अरे वो रक्षा होता काश के मैं उसमें अपनी मोहब्बत की यादगार को ताबीर करती। वो रक्षा था मेरा, ताजमहल नहीं। आंटी हसमत अंकल कहाँ है? हेलो आई एम मुजाहिद, यहाँ का फैमिली फ्रेंड। शट अप, नहीं मैं खा कर आया हूँ। आंटी आप रोए मत, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, बस खाली नाक लंबी है इसकी। वैसे आपा ये पोपट है कौन? अरे कमबख्त हस्सू के दोस्त की बेटी है, इस घर की मालकन, हर चीज पे नजर है तेरी तो। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना हसमत का कोई दोस्त नहीं, और जो एक दो दोस्त है ना उनकी तो सारी काली पीली लड़कियाँ हैं, ऐसी खूबसूरत कहीं नहीं। क्या कह रही है, क्या कह रही है? ये मेरे खिलाफ तुमसे बातें कर रहा है, ये भड़का रहा है, ये आग लगा रहा है मेरे घर में, और तुम मुझे इल्जाम दे रही हो कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आज इसको मार के मैं किस तरीके से मिट्टी का तेल सोफे के पीछे लगा दूंगा। मैं लेकर आता हूं, बहुत बड़ा नहीं मैं लेकर आता हूं, मैं लेकर आता हूं। कर गया, अपने ड्राइंग रूम को थोड़ी जलाऊंगा मैं, और तुम इसको बुला के अपने मसले सुना रही हो, घर की बातें बता रही हो, तुम्हारे साथ देखना मैं करता क्या, देखना बस भैया, देखती जाओ देखती जाओ। कुछ नहीं किया ये आप आंखें बंद करके क्यों मुस्कुरा रही हैं? गुपचुप 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 हाँ आंखें बंद करके मुस्कुरा रही थी, गुपचुप गुपचुप क्यों? बस ऐसी। अरे बताएं तो। हाउ स्वीट। अच्छा आपका नाम दुआ है ना? मेरा नाम शेरी, डी यू ए ए ए दुआ, एस एच ई आर वाई, दोनों के नाम में पांच पांच लेटर आते हैं, देखा आपने? मेरे नाम के आखिर में सिर्फ एक दफा ए आता है, तुमने दो ए एक्स्ट्रा लगाए और नंबर बढ़ा लिए, चीटर। शेरी बेटा डॉगी में भी पांच लेटर आते हैं, डी ओ जी जी वाई। अरे यार अब्बा मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, कैरी ऑन कैरी ऑन। अरे आप मेरी चीटिंग तो ना देखें, मेरा हौसला देखें ना। तुम बहुत स्वीट हो, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स। अब्बा ने कभी बनने ही नहीं दी फ्रेंड्स, और कभी बने भी नहीं। अच्छा पापा आप जैसा खुदगर्ज तरीन इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा, मतलब जिस शहरे को आप सारी जिंदगी अपना आलाय कार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, आज आप उसी की शादी उस लड़की से करवाने जा रहे हैं। उस लड़की को तो जरा बाप देखें, कितनी प्यारी बोली मासूम क्यूट, बिस्मा की बिल्कुल बहन जैसी लगती है वो। वो शादी करेगी क्या उससे? बिस्मा ने भी तुमसे शादी करी है, तुम बड़ा रैंडम लगते हो। सुन लो कान खोल कर, प्लान तैयार है मेरे पास, एक और सच है जो मैंने तुम लोगों से छुपाया था। क्या? तुम लोग मेरी सगी औलाद नहीं। तुम किसकी औलाद है? कौन हमारे अम्मी अब्बू, कौन हमारे नानी नाना, कौन हमारे दादा दादा? नहीं 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 मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था, तुम पागल हो जाते हो। मैं ये कह रहा था कि ये घर जो है ना मैंने चौकीदार से सेटिंग करके एक हफ्ते के लिए किराए पर लिया था, मुझे क्या पता था मालकन आ जाएगी, आ गई है तो खैर है, अगर इसकी शादी अपने शहरी से हो गई ना तो ये घर हमारे कब्जे में आ जाएगा। सोचो कॉर्नर का प्लॉट है, इसके साथ एक और प्लॉट खाली है, वो भी घेर लेंगे, कितना मजा आएगा। अरे यार पापा कुछ भी हो जाए ये लड़की मुझे बहुत तेज लग रही है, आप भले इसकी शादी। अरे चल किरण से ज्यादा क्या तेज होगी,
जब तेरी बीवी को मैंने लगाम डाल ली तो ये तो भोली भाली है। पापा जबान संभाल कर बात करो, मैं अपनी जबान खींच लूंगा। जबान तो हम तुम्हारी खींचेंगे बेटा, अभी खींचेंगे। फिल्मी डायलॉग तो मुझे निकल गया। नहीं नहीं, एक नाखून तो निकालेंगे छोटी वाली। अब जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यूं ही ना बात, कान खोल कर सुन लो। शहरी को एक दिन के अंदर अंदर रोमांस सिखाना है, तो लग जाओ बेटा काम पर। काम पर लग जाओ, शाबाश शाबाश, दोनों दोनों निकलो जल्दी। तुम मुझे वो सिखा दोगी? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप? हाँ हाँ वही वही वही। लेकिन आंटी आपको व्हाट्सएप से क्या काम? मैं देख रही हूँ कि आजकल के लड़के लड़की है ना, उसी पे सेटिंग करते हैं। मैं भी अच्छी को सेट कर लूँगी। मैं आपको सिखा तो दूंगी, लेकिन ये ना थोड़ा मुश्किल है, इतनी जल्दी नहीं आएगा आपको। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा थोड़ा करके सिखा दो, बाकी मैं सेट कर लूँगी। चलें ठीक है, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे मैसेज सेंड होते हैं, और आप ना अपनी पिक्चर भी भेज सकती हैं। ये देखें, मैं आपको पोस्ट करना सिखाती हूँ। पोस्ट करें? क्या तुम सिखाओगे जंगली को रोमांस करना? तुम सिखाओगे? पहले खुद तो कुछ सीख लो, पत्थर जैसे तासुरात देते हो, खुद चले हो रोमांस सिखाने। आप कभी मुझसे नरमी से बात करके तो देखें, तभी तो मैं मुस्कुराहट दूंगा ना। सच्ची, दिल पर लकीर ना आई तो कहना। अच्छा चलो दो फिरोज, ऐसे तो पुरानी फिल्मों की विलन करते हैं लड़की को देख के। बेगम आप मेरा दिल तोड़ रही हो। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग उस लड़की की शादी शेरी से करवाना चाहते हो? किस जुर्म के बदले लेना चाह रहे हो? बदला ही तो लेना चाहते हैं शेरी भाई उज़्माबाजी से। तुमने देखा नहीं था कैसे उज़्माबाजी ने मेरे शेरी भाई को बिलकता हुआ छोड़ दिया था? क्या बिलकता हुआ छोड़ दिया था? शेरी कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है। अच्छा बिस्मा, तुम इन सबको गोली मारो, ये बताओ वो कौन सी अदा थी जिसको देख के तुमने मुझे दिल दिया? बताओ ना, ताकि मैं शेरी भाई को सिखा सकूं। हाँ सच बताऊं? हाँ बोलो ना। वो असल में उस वक्त हमारे घर के हालात बहुत बुरे चल रहे थे, यहाँ तक कि घर में फाकू की नौबत आ गई थी, और अम्मा से तो मेरी वैसे ही बोलचाल बंद थी, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली, और तुम ही थे जो मेरी गुर्बत को खत्म कर सकते थे। बिस्मा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बिस्मा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। पता है तुम्हें, मैं टावर से लेके वुमेन कॉलेज तक तुम्हारी एक झलक देखने के लिए जाता था। बिस्मा वाओ शेरी, तुम्हें हाथ देखना भी आता है? हाँ बिल्कुल, कभी कभी देख लेता हूँ। अच्छा तो देखकर बताओ मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। नहीं 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 बेटा, थूकना मत थूकना मत थूकना मत। अरे अब्बा मजाक करता मजाक कर। बेटा ये रुकैया किधर है, नजर नहीं आ रही? अरे भाई फिर तंग करने आके जाओ। शेरी ये कैसे पापा से बात कर रहे हो? चलो फौरन सॉरी बोलो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा। देखा पड़ गया पट्टा बन गया कुत्ता। अब्बा चले आओ। मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। दुआ बेटा तुम फ्री हो जाओ तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और शेरी बेटा कब तक गैलरी में लेके बैठे रहोगे? बेटा आइसक्रीम खिला के लाओ दुआ को। अब पापा पैसे दे दें? पैसे दुआ के पास होंगे ना। बेटा बच्चे को आइसक्रीम खिला देना, और हाँ जल्दी वापस आ जाना, हमारे यहाँ ज्यादा देर तक बाहर रहने का रिवाज नहीं, ठीक है? पैसे मैं? तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने के भी पैसे नहीं है? अच्छा अच्छा रो मत, अच्छा चुप हो जाओ, नहीं रो। ये क्या व्हाट्सएप किया तुमने मुझे? ये ट्रेन, ये नाक, ये क्या क्या इमोजी बना के भेज रही हो? पागल हो गई हो क्या? अच्छा ये नाक है, मैं समझी दरख्त है। इस मुँह है वाटर सेप में भी ना कुछ पता ही नहीं चलता, सबकी शक्लें पीली पीली नजर आ रही थी, पता ही नहीं चला कौन हंस रहा है कौन रो रहा है। वाह भाई वाह, खुदा रहा किस जाहिल औरत से मेरी शादी हो गई। हशु तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। पहली कौन है बताओ बताओ, पहली कौन है? देखा देखा इस सवाल का जवाब नहीं है तुम्हारे पास, यही बातें जो मेरी नींदें उड़ा के रखती है। कब से तड़प रहा हूँ बता नहीं सकता किसी को मैं, लेकिन कोई हमारा दर्द नहीं समझेगा भाई, नहीं समझेगा। फिर गलती हो। बात यह है कि मैं तुम्हें शेरी के बारे में बता रहा था। शेरी मोहल्ले का वो लड़का था पहला जिसने फर्स्ट फ्लोर से बजरी के ढेर पे छलांग लगाई। क्या? लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? वैसे जनरल नॉलेज के लिए। वैसे शेरी के लिए रिश्तों की कमी नहीं, एक से एक बड़े घर से रिश्ता आ रहा था, लेकिन शेरी नहीं माना। क्यों? क्या वो किसी और को पसंद करता था? नहीं 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 नहीं, शेरी किसी को पसंद नहीं करता, शेरी को तो लड़कियां पसंद है। इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता। ये जो अपनी उज़्मा है ये भी शेरी के चक्कर में थी, उससे शादी करना चाहती थी लेकिन शेरी ने इनकार कर दिया, तो मजबूरन सुल्तान से। बड़ा दुख होता है। ओ बेचारी। अच्छा मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। कहाँ जाओगी इतनी रात में बेटा, अपना घर है यही रहो। मुझे नहीं आपको चलना चाहिए मेरे कमरे से। हाँ ठीक है ठीक है, ओके बेटा गुड नाइट, ख्याल रखना। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। शेरी बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत हो जाइएगा। जी जी।
रुकैया रुकैया मर गया। मेरे अब्बू सही से देखे, जिंदा होगी। रुकैया रुकैया। हर्षु मैं अभी सोच रही थी कहना हम सब एक पार्टी में और हम सब ने सेम ऐसे ही ड्रेस पहने हुए और सुल्तान भी यही पैदा हुआ है, आप भी और मैं भी। डांस पार्टी थी। तुम खांसी का शरबत कम पिया करो, उसमें नशा आ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे से आपका क्या लेना देना, आप तो ब्रेकअप डे मनाने वाले थे ना। फिरोज अपनी बीवी को चुप करा लो। वाह भाई शेरी, दिन में तारे देख रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, खैरियत तो है? अबे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्द इस घर का मालिक बनने वाला हूँ, तुझ जैसे को तो मुंह भी नहीं लगाऊंगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज का दिन मोहब्बत करने वालों का दिन है। मोहब्बत से आपका क्या ताल्लुक, आप तो सिर्फ नफरत करना जानते हैं। घरों अगर आपसे आपकी बेगम नहीं समझ रही तो हमें बता दे, हम मैनेज कर लें। अब्बू को बात तो कम्प्लीट करने दो प्लीज। अब्बा ना दुआ से मेरी शादी कराने वाले हैं। दुआ से तेरी शादी? तुम्हें ये कह रहा था कि दो दिल जब मिलते हैं ना। दिल जोड़ने से आपका क्या ताल्लुक, आप तो दिल तोड़ते हैं। मुझे लगता है कि आज मैं बात मुकम्मल कर नहीं पाऊंगा। बिल्ली के ख्वाब में छींचले। हाँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दुआ मेरे मरहूम दोस्त की बेटी। बस अब्बा बस, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बैठ के बात कर लो, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। देखो दुआ, अब्बा ने ना एक प्लान बनाया है जिसमें हम दोनों की शादी होगी, उसके बाद मकान पे कब्जा होगा और हम दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं अब्बा के साथ इस प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, बस इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? इन लोगों ने तुम्हारे बारे में जितने किस्से मुझे बताए ना, वो सुनकर तो कोई लड़की तुमसे शादी ना करे। सही बेटा, अल्लाह ने आपकी शक्ल पर, आपका प्लान भी फेल हो गया, हमारा प्लान भी नाकाम हो गया। आ गया हस्मत में, और देख मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। किसी के घर में घुसाए हो गाते गाते, थोड़ी तमीज होती तो तारुफ भी कराते जाते। शान, तारुफ तो मेरा इन दो नशीली आंखों में नक्श है जो इस वक्त मुझसे रूठी है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। दुआ तुम चाहोगी तो क्या मुझसे नफरत कर सकती है, क्योंकि तुमसे ही तो बनाऊ मैं। हाँ भाई, हम तो प्लास्टिक के बने हुए। अब मुजाहिद क्या सीन है, कौन है ये लड़का? अरे यही तो दुआ की मोहब्बत है, जिसके लिए ये दीवाना बने फिरता था, कभी पहाड़ियों पर कभी दरख्तों पर चढ़ जाता था, आज पहुंचा है अपनी मंजिल पर। तुम इसे जुदा करना चाहते थे? मुजाहिद तू चुप हो जा, तू मेरा दुश्मन है, अब्बा हमदर्द है हमारे। अबे चल, ना लेट कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी, हेलो, हम लोग भी यहाँ पर है, इधर भी देख लें। हाँ बेटा, क्या फाइनल किया, शहरी या ये नया वाला लड़का? शान तो मेरे बचपन की मोहब्बत है। नहीं नहीं बेटा, बचपन में तो सिर्फ गलतियां होती है, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मेरे ख्याल में शहरी तुम्हारे लिए मुनासिब रहे। आप मेरे कोई अंकल वंकल नहीं है, वो तो मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मुझे आपकी इस बात पर तरस आ गया था कि आपको कैंसर है। देखा तुमने, देखा, ये हमारी फैमिली है, खुश हो रही है, बाप को कैंसर है। आपको सच में कैंसर है, आप मरने वाले हैं क्या? अबे चल, मेरा स्टार कैंसर। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी लास्ट स्टेज है। 22 जुलाई को कैंसर खत्म हो जाता है, 23 से लियो स्टार्ट हो जाता है, तो मैं दरमियानी रास्ते में था। क्या सोच रहे हो? मैं तो इल्यूजन में चला गया, फैंटेसी। होता है, तुम जैसे सस्ते आशिकों के साथ वैलेंटाइन डे वाले दिन ये वाला मसला होता है। और छतरी तो बड़ी ले लेते। ओ भाई रहने दो यार, इतनी बातें मत करो, किराए की बस है, बस का किराया और बढ़ जाएगा, जाने दो। आ भाई, अरे 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 बातें नहीं सुनाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। थैंक यू। निकाल रहा है, मैं खुश हो रहा है, अल्लाह हाफिज चल रहा है भाई। ये देखो, अच्छा बेटा, व्हाट्सएप सिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो, अल्लाह हाफिज। व्हाट्सएप होता है, शेरी जल्दी आओ शेरी, चलो भाई चलो जल्दी चलो। मत भाई, डीजल डलवाने की बात हुई है। हाँ डलवाएंगे। अरे छोड़ दे भाई, जान दे, अरे जाओ ना।